और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री जी की नीतियां, प्रधानमंत्री जी के कार्य उससे प्रभावित होकर के अन्य पार्टियां छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे समक्ष श्री करतार सिंह भडाना जी हैं। आप 3 बार एमएलए रहे, मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में स्मालखा विधानसभा जो है वहां 2 बार आप वहां से चुनाव जीते और हरियाणा में विधानसभा के सदस्य थे। वह बीएसपी के सदस्य थे, वहां से रिजाइन करके आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर, उनके नीतियों से प्रभावित होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई के नेतृत्व और उनकी से प्रभावित होकर के और पार्टी के विचारधारा के आधार पे आप आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और जिस प्रकार से केंद्र में मोदी सरकार ने गांव गरीब किसानों के लिए काम किया है और हरियाणा में भी जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गांव गरीब किसानों के लिए सभी वर्गों के लिए काम किया, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। आपका हम पटका पहना करके पार्टी में विधिवत आपको ज्वाइन करा रहे हैं। अब करतार सिंह भडाना जी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विधिवत रूप से बन चुके हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में पार्टी का काम हम लोग निरंतर रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और केंद्र की सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है। अब करतार सिंह भडाना जी से निवेदन करता हूं कि आप 2 शब्द अपनी बात मीडिया के समक्ष रखें। तो मैं अपने मीडिया के भाइयों से, मेरी पार्टी के सीनियर नेता सभी को मैं प्रणाम करते हुए, बड़ों को पैर छू के और छोटों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए मैं आभारी हूँ आज कि मुझे इस लायक कि इतनी बड़ी हमारी पार्टी में मुझे काम करने के लिए मौका दिया है। मैं सदाई ये नहीं कि मैं कोई आज नया, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं उनके आगे ज्यादा कोई बात करना कहना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि बुद्धिजीवी भाइयों से कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं ये जनता की सेवा कर सकूं और बीजेपी में मैं पहली बार नहीं, मैं पहले बीजेपी में था, कई भाई मेरे से कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि मेरी सेवा की जरूरत नहीं थी इसलिए मैं जाना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी की
नीतियों में, अध्यक्ष जी की नीतियों में ही नहीं, इस देश को पूरा विश्वास है कि इस देश को अगर बचाया है तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं वो छुपे हुए नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा इस बात के लिए तैयार है। कई भाई कहते हैं कि विकास कम हुए हैं, ये तो सारा देश जानता है कि ये हिंदुस्तान विकास चाहे कम रहे रह सकता है, लेकिन देश का सम्मान ना बचे तो ये नहीं रह सकता है। इस देश के सम्मान बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा है और इसके सम्मान को बचाया है, इस देश को बचाया है। और हम भी बस देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि देश होगा तो सेवा कर सकेंगे, अगर देश ही ना रहता तो कहां से सेवा करते। तो ये सेवा करने का मौका दिया है और हम सेवा करते रहेंगे। और कोई भाई भी, क्योंकि मैं ज्यादा राजनीतिक नहीं हूं, मैं सच्चाई की 370 35 ये सामने सब, क्योंकि मैं इतना नहीं बता सकता, पर इतने बुद्धिजीवियों में कुछ बताऊं तो वो मैं जी समझता कि कोई अच्छी अकलबंदी की बात करूंगा। ये सारा देश जानता है कि क्या क्या हुआ और क्या क्या और होने वाला है। इस देश को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो होगा। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चल रहा है, जिस प्रकार से लोगों का रुझान है और जिस प्रकार से लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, करतार सिंह भडाना जी भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को ज्वाइन किए 3/4 बहुमत के साथ, हम वहां पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नड्डा जी पता नहीं।